10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टार्ट। महोदया, मैं सर्वप्रथम अपनी सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद विधेयक 1962 पर अपने मूल्यवान विचारों से हमें और सदन को लाभान्वित किया। बहुत सारे प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने रखा है जिनके पीछे औचित्य है। परिषद की बैठक के संबंध में जो आप लोगों ने चर्चा की है, मेरा भी ख्याल है, विश्वास है कि परिषद की एक बैठक होनी ही चाहिए, पर और कई बैठकें भी होनी चाहिए, क्योंकि बैठक एक होती है जिससे पूर्ण रूप से काम की समीक्षा नहीं होती। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि बैठक बढ़ानी चाहिए। अंबेडकर साहब ने प्रश्न उठाया है कि आदिवासियों के अंदर बीमारी है, जो भी बीमारी हो, जिस किसी भी कारण से हो, कोई भी नागरिक अगर विकलांग होता है तो उनको भी हम विकलांग की सूची में मानते हैं। उन्हें विकलांग नहीं मानने का प्रश्न नहीं है, यह प्राकृतिक प्रदत्त भी होता है, दुर्घटना के कारण भी होते हैं, कभी कभी आँख में दवा लगाने से भी हो जाता है। शारीरिक रूप से पिछड़ा हो गया तो इस तरह से जिन भी कारणों से कोई भी देश का नागरिक विकलांग होता है, प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद विकलांग होता है तो वह विकलांगों की सूची में निश्चित रूप से आता है। दूसरी बात, जो आपने विकलांगों की संख्या की बात कही है, अभी तो सरलता से नमूना सर्वेक्षण हो सकता है, पर जिस तरह से सर्वेक्षण की बात कही गई है वह मुश्किल से होगा। इसमें ये आंकड़े आएंगे, पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनकी संख्या कम नहीं है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकी संख्या 1,20,00,000 पहुँचती है, मगर आबादी के अनुपात से संख्या अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि यह सहानुभूति के पात्र नहीं है, हमारे कर्तव्य का प्रतीक होने चाहिए। समाज में जो यह बातें हैं कि जो लोग समझते हैं कि विकलांगों के प्रति, चाहे सामाजिक विकलांग हों, आर्थिक विकलांग हों, शारीरिक विकलांग हों या जो भी निर्बल हैं, उनके प्रति सरकार को या व्यक्ति को या समाज को कर्तव्य परायण होना चाहिए, न कि सहानुभूति दिखलानी चाहिए। मैं इसे नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा कर्तव्य है कि निर्बलों को ऊपर उठाएं, हमारी सहानुभूति नहीं। सहानुभूति के अंदर यह भावना है कि मैं बड़ा आदमी हूँ, उन्होंने मान लिया, इसलिए हुई है। मैं
आपको बता दूं कि किस तरह की गलत धारणा एड्स के बारे में है। बिहार में पटना ब्लड बैंक के एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, स्टॉप।